हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज परम। आई एम हरमन। आई एम मंजू। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। एंड आज का जो हमारा वीडियो है, दैट इज ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के लाइफ के ऊपर बनने वाली ये बेहतरीन सीरीज बाय रशीद मिफ्तई साहब, मोहम्मद सबके लिए, पार्ट 29, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज का जो वीडियो सुनने के लिए, क्योंकि जो ये वाक्या होगा आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइज, हमने कल के वीडियो में सुना पार्ट 28 में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स हैं। एंड कल के वीडियो में हमने ये वाक्या सुना कि जो हमारे प्यारे नबी हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के नबुवत के 10वें साल में, बहुत ही ज़्यादा गम का साल था वो, क्योंकि उनके जो बहुत ज़्यादा उनके पिलर थे एक तरह से, है ना, उनके सपोर्टर थे, उनके वालिद के जैसे ही थे, जिन्होंने उनको पाला था, उनको बहुत प्यार करते थे। उनके चाचा जान अबू तालिब, उनका इंतकाल हो गया था, वो उनको अकेला छोड़ के दुनिया में हमेशा के लिए चले गए थे अल्लाह के पास। एंड हजूर अला बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, है ना। एंड जो मक्का वाले थे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे कि अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अब तो ये अकेले पड़ गए, एंड अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके साथ कोई है भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं है। बट उनको क्या पता था कि उनके साथ अल्लाह है, है ना, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। उनको मतलब उनके पास सबसे बड़ा सपोर्ट है, दैट इज़ अल्लाह, है ना। एंड फिर वही साल में दूसरा उन पर सबसे बड़ा बम फटा, बहुत मतलब उनकी जो प्यारी बीवी थी हज़रत खदीजा जी, है ना, वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया सेम साल में। एंड दो जो उनके बहुत करीब लोग थे, जो मतलब, और उनका इंतकाल हो गया, है ना, मतलब एक के बाद एक दुख। हम तो इंसान हैं, हम इतने इतने से दुख में इतना इतना ये करते हैं, वो रसूल हैं अल्लाह के, स्टिल उनके लाइफ में कितने उन्होंने दुख देखे। हमें तो उनकी लाइफ से सीखना चाहिए यार, कि मतलब उन्होंने इतने सारे दुख देखे, इतने मतलब बता ही नहीं, मतलब हमारे दुख तो क्या ही होते हैं दुख, इतने दुख देखे उन्होंने, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अल्लाह को अपना सपोर्टर बनाया। एंड लास्ट में फतह हो ही गए, है ना। सो आई एम वेरी एक्साइटेड आज का वाक्या देखने के लिए गाइस। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 29वां हिस्सा यानी पार्ट 29 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 28वें हिस्से में क्या सुना। हमने 28वें हिस्से में सुना कि आमुल हुज्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा। आम अरबी में कहते हैं साल को, और हुज्न कहते हैं गम को। आमुल हुज्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा, ये हमने पिछले वीडियो में सुना। सबसे पहला और बड़ा गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े सपोर्टर चचा अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले गए। दूसरा सबसे बड़ा गम आपकी सबसे प्यारी बीवी, सबसे बड़ी गमगुसार आपकी शरीक हयात अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। ये गम के दो बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे, लेकिन आपने बर्दाश्त किया, सब्र और शुक्र के साथ आप आगे बढ़ते रहे, और आप अपने काम में, इन्हीं दीन के फैलाने में और इस्लाम के इशात में आप लगे रहे। चलिए आगे सुनते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बढ़ती तादाद को देखकर घबरा रहे थे। पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को हर तरह की तकलीफें दे देकर रोकने की कोशिश की, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा डर कर दीन की तबलीग करना छोड़ दे। मगर उनकी इस दुश्मनी से और इन सख्तियों से और इन तकलीफों से उनको वो फायदा नहीं हो रहा था जिसकी उनको उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने अब एक नई चाल चली, एक अनोखा प्रस्ताव,
एक अजीब तजवीज, एक अनोखी आइडिया लेकर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आओ मोहम्मद बैठो, आज हम एक समझौता कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह का समझौता, बयान करो। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन हम तुम्हारे खुदाओं की इबादत कर लेते हैं और कुछ दिन तुम हमारे खुदाओं की इबादत कर लेना। इस तरह होगा ये कि दोनों की इबादतें दुरुस्त हो जाएगी और इस इबादत के बदले में हम दोनों को खैर और भलाई मिल जाएगी, यानी हम दोनों तरह की इबादत करेंगे ताकि इन दोनों किस्मों की इबादत में से जो भी तरीका ठीक होगा उसके बदले हमको और आपको नजात मिल जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाकर मक्का वालों की इन बेहुदा बातों का और इन बेहुदा तजवीज का जवाब दिया। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद, जिसका शॉर्टकट में खुलासा यह है कि आप उनसे कह दीजिए कि मैं हरगिज उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि जिन बातों की तरफ मैं तुमको बुलाता हूं, जिसकी मैं तुमको हिदायत करता हूं, जिस दीन की मैं तुमको दावत देता हूं, ये कोई तफरी, कोई एंटरटेनमेंट या कोई मजाक नहीं है बल्कि एक सच्चाई और एक मुकम्मल दीन है जिसमें तब्दीली या चेंजेस करने का किसी को हक नहीं है। इस दीन की बुजुर्गी और सच्चाई में कोई शक और शुबा और कोई डाउट नहीं है। और फिर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे ताकि आप किसी भी तरह अपना काम और अपना मिशन पूरा ना कर सके और इस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आपको कोई मददगार, कोई सपोर्टर, कोई साथी ना मिल सके। वो इसी में हमेशा परेशान रहा करते थे, क्या करे क्या ना करे, कौन सी चाल चले, कौन सी साजिश करे, हर वक्त यही फिक्र उनको रहा करती थी। लेकिन इधर अफसोस ये था कि चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जो हर तरह आपकी हिमायत करते थे, हर मौके पर आपका बचाव करते थे और उधर सारे खानदान वाले भी आपका लिहाज, आपका अदब किया करते थे। अगर इनके कबीले के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे तो चचा अबू तालिब रुकावट बन जाया करते थे, लेकिन वो दीवार अब हट चुकी थी। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में, रास्ते में कांटे बिछाने वालों का रास्ता भी अब साफ हो चुका था। अब वो जितना भी चाहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाया करते थे, जिस कदर बेरहमी से वो सुलूक करना चाहते थे कर सकते थे, क्योंकि उनकी नजर में अब जाहिरी जो सबसे बड़ी रुकावट और दीवार थी वो खत्म हो चुकी थी। चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद मक्का वालों ने बढ़ चढ़कर आपको तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के रास्ते में बे इंतहा रुकावटें डालनी शुरू कर दी। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला में नमाज पढ़ रहे थे, एक बदबख्त शख्स उकबा बिन मुईद पीछे से आया। जब आप सजदे में गए तो आपकी गर्दन मुबारक पर चादर डालकर और लपेट कर, पूरे चेहरे को लपेट कर, उसको मरोड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला मुबारक घोटना शुरू कर दिया। आप उसी तरह सजदे में पड़े रहे, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह दर्दनाक मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला वहां से दौड़कर आए। उन्होंने जल्दी से उकबा को पीछे ढकेला। इस पर कुरैश नाराज हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर चढ़ दौड़े और उन्होंने मार मार कर और पीट पीट कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लहू लुहान कर दिया, सख्त जख्मी कर दिया। एक दूसरे और बदबख्त ने यह हिम्मत की कि बहुत सारी मिट्टी उठाकर आपके चेहरे पर फेंक दी, जो आपके सीधे मुंह पर लगी। जब आप घर में दाखिल हुए तो आपके मुंह पर और आपके सर पर मिट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी यानी छोटी बेटी सैयदतुन निसा
हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला जल्दी से आई, वो आप यानी अपने अब्बू के चेहरे से मिट्टी साफ करती, आपके सर से मिट्टी साफ करती जाती थी और मुसलसल रोते जाती थी और आंसू बहते जाते थे और वो मिट्टी साफ करती जाती थी और वो ये सोचती थी कि मेरे प्यारे अब्बू और पैगंबर खुदा के साथ उनकी कौम कितना बुरा सलूक कर रही है, कितना बुरा मामला कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी को तसल्ली देते और कहते कि बेटी मत रो, बेटी मत रो, खुदा तुम्हारे अब्बू का मुहाफिज है, खुदा तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करने वाला है, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। उधर आपके चचा अबू लहब ने चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुछ दिन के लिए अपनी दुश्मनी कम जरूर कर दी थी, खामोश भी रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। अब तो उसने पहले से भी ज्यादा सख्त अंदाज में आपको सताना शुरू किया। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की तरफ से इतनी तकलीफें पहुंचाई गई, इतनी तकलीफें पहुंचाई गई जिसकी कोई हद नहीं। और दूसरी तरफ अबू जहल, उसका तो रोजाना का ये काम था कि वो सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बैठ जाया करता था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते यानी उस रास्ते पर आते तो अबू जहल गुंडों को और बदमाशों को उभारता और कहता कि जाओ उसको सताओ, मोहम्मद को सताओ, परेशान करो। चुनांचे वो गुंडे उठते, आप पर आपको गालियां देते, आपको बुरा भला कहते और अलग अलग आवाजें कसते, सीटियां बजाते। कभी अबू जहल अपने गुंडों के पास जाता और कहता कि जब मोहम्मद तवाफ करने के लिए आए तो जाओ तुम उसको मारो। चुनांचे वो गुंडे आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ जाते, सवार हो जाते, आपको तकलीफें देते, आपको मारते। और फिर ये सारा मंजर देखकर अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आते और कहते क्या तुम एक बुजुर्ग आदमी को कत्ल करना चाहते हो, वो भी सिर्फ इस जुर्म में कि वो अल्लाह को अपना परवरदिगार कहता है, हालांकि वो तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आया है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छेड़ने से रोकते तो वो हजरत अबू बकर के सामने जमा हो जाते, चारों तरफ जमा हो जाते, फिर धक्के मारना शुरू कर देते ताकि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हट जाए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत आखिरी दम तक करते, खुद चोटे खाते रहते और जरा भी नहीं घबराते थे। वो अपने महबूब और अल्लाह के पैगंबर को बचाने में बड़ी खुशी के साथ खुद जुल्म सहते और खुद चोटे खाते थे। जब कभी मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह जुल्म करते थे, आपको जब इस तरह सताते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अफसुर्दा लहजे में बार बार ये जुमला दोहराया करते थे कि खुदा की कसम मेरे चचा अबू तालिब की जिंदगी में कुरैश ऐसी कभी हरकत नहीं कर सके थे। रसूल अल्लाह के सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ देखते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था कि खुदा के नबी के साथ मक्का वाले किस तरह का मामला कर रहे हैं और तरह तरह की तकलीफें पहुंचा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमे पर सदमा था, दोहरा और तेहरा सदमा था। एक तो चचा अबू तालिब का इंतकाल, दूसरे अपनी चहेती बीवी, गमगुसार बीवी, हम सब की अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला की वफात का गम और दूसरे ये कुरैश के इस बर्ताव और इन हरकतों का सदमा होता था। लेकिन ईमान वालों की मजबूरी ये थी कि उनकी एक बड़ी तादाद हबशा हिजरत करके चली गई थी और मक्का में रहने वाले ईमान वाले बहुत थोड़े रह गए थे, इसलिए ना वो मक्का वालों का मुकाबला कर सकते थे ना उनका कुछ बिगाड़ सकते थे। इसलिए जब भी मक्का वाले हुजूम बनाकर आप पर हमला करते थे या आपके सहाबा पर हमला करते थे तो आप सिर्फ अपना बचाव करते थे, अपनी हिफाजत करते थे। और ईमान वालों की औरतें जब अपने मर्दों के साथ और अल्लाह के नबी के साथ इस तरह का मामला देखती थी, इस तरह की तकलीफों में देखती थी तो उन्हें बेहद रंज होता था
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें देखकर तो उनके दिल दर्द से भर जाते थे। उसी दौरान एक दिन उस्मान बिन मज़ून की बीवी खौला बिनत हकीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं कर लेते ताकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला के हमदर्दी का कुछ बदल हो सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी मुराद किस लड़की से है। तो हज़रत खौला ने फरमाया कि एक बेवा है और एक कुंवारी है। आपने पूछा कि कौन है, तो हज़रत खौला ने जवाब दिया, एक तो आपके चहीते दोस्त जो आपको खुदा की मखलूक में सबसे ज़्यादा पसंद है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी बेटी आयशा है जो कुवारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेवा कौन है, तो हज़रत खौला ने जवाब दिया कि सौदा बिनते जमा। सौदा बिनते जमा वो औरत है जो बहुत पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों की पैरवी करती थी, यानी आपकी इत्तबा करती थी। उनके शौहर हिजरत करके हबशा चले गए थे, मगर वहाँ से जब वापस आए तो वापसी में उनका इंतकाल हो गया था और हज़रत सौदा बिनते जमा की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला से फरमाया कि तुम दोनों को मेरा पैगाम पहुँचा दो। फिर हज़रत खौला सबसे पहले हज़रत आयशा की अम्मी यानी हज़रत अबू बकर की बीवी हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला के पास गई और हज़रत उम्मे रुमान से कहा कि खुदा ताला ने तुम पर बहुत बड़ी खैर बरकत नाजिल फरमाई है। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के लिए निकाह का पैगाम देकर भेजा है। हज़रत उम्मे रुमान ने फरमाया कि खुदा ने चाहा तो ये बहुत मुबारक रिश्ता है, लेकिन उनके वालिद हज़रत अबू बकर आने तक ठहरो। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और जब हुजूर के निकाह का पैगाम सुना तो निहायत खुशी और फख्र के साथ अपनी बेटी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद हज़रत खौला हज़रत सौदा के पास गई और उनसे कहा कि तुम पर बहुत बड़ी खैर बरकत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। हज़रत सौदा को बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है। तो हज़रत खौला ने जवाब दिया कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास अपना निकाह का पैगाम देकर भेजा है। हज़रत सौदा निहायत खुश हो गई और कहा कि जाकर मेरे अब्बा से इसका तस्किरा कर दो। चुनांचे हज़रत खौला हज़रत सौदा के अब्बा के पास गई और ये रिश्ते का तस्किरा किया तो हज़रत सौदा के जो वालिद थे वो निहायत खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चुनांचे ये दोनों निकाह हो गए और हज़रत सौदा की रुख्सती तो फौरन हो गई, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला चूँकि छोटी थी इसलिए सिर्फ निकाह हुआ, रुख्सती नहीं हुई, रुख्सती बाद में हुई। इसकी और तफसील आपको आगे के हिस्सों में भी बताई जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। हम आने वाले 30वें हिस्से में यानी पार्ट 30 में हम सुनेंगे ताइफ का दर्दनाक वाकया। आप कितनी उम्मीदों के साथ ताइफ गए कि कम से कम मक्का वाले नहीं मान रहे हैं तो ताइफ वाले मान जाएंगे, वहां से बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, वहां से बहुत सारे ईमान वाले मुझे मिल जाएंगे। लेकिन ताइफ जाने के बाद वहां क्या मामला हुआ, वहां आप सरदारों से मिले तो वहां उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या उन्होंने मक्का वालों के जैसा किया या कुछ उन्होंने अलग किया ये। और फिर आप जब ताइफ से वापस हुए तो फिर आपके साथ क्या अजीब अजीब वाकयात हुए और जिन्नात की एक जमात से भी आपकी मुलाकात हुई, जिन्नातों ने आपसे क्या कहा, ये सारी तफसील आपको इंशाल्लाह 30वें हिस्से में यानी पार्ट 30 में सुनने को मिलेगी। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और आप अपनी जिम्मेदारी को न भूलें और आपका ये अखलाकी फ़र्ज है कि इन सीरीज़ के वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारे हिम्मत और हौसले को आप बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह आप ऐसा ज़रूर करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तब तक मेरे लिए
पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के लाइफ के ऊपर बनने वाली बेहतरीन सीरीज़ बाय रशीद मिफ्ती साहब, पार्ट 29। बहुत बेहतरीन था आज का वाक्या भी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। जब लाइक नबूवत के 10वें साल में, जैसे कि बताया कि बहुत ज़्यादा गमगीन साल था वो, है ना, क्योंकि उनके जो चाचा जान थे और उनकी जो वाइफ थी, दोनों का इंतकाल हो गया था। बहुत ज़्यादा दुखी थे, मक्का के लोग बहुत ज़्यादा परेशान करना चालू कर दिया था उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे क्योंकि उनका कोई सपोर्टर नहीं था अभी। एंड मक्का वाले लोग इतना ज़्यादा परेशान करते थे, एक बार जैसे कि बताया उन्होंने कि एक बार नमाज़ पढ़ रहे थे एंड सजदा कर रहे थे, उसी टाइम पे कुछ लोगों ने आके गले पकड़ लिया, है ना, गला पूरा कपड़ा डाल के बहुत ज़्यादा क्या क्या किया लोगों ने, और मिट्टी डाली मुंह पे, मतलब। और जब भी बाहर जाते थे लोग परेशान करते थे, धक्के देते थे, मतलब कितनी ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम्स झेली हैं, है ना, मक्का वालों की वजह से। और मक्का वाले फिर भी सुधरते नहीं थे। तो आगे का भी वाक्या देखने वाला है कि जब दूसरे देश जाएंगे, वो देश का क्या नाम था, ताइफ, हाँ, वहाँ पे जाके वो लोग से क्या मदद मांगेंगे, मतलब वो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आगे का वाक्या सुनने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आ वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।